हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ 6 से 7 पीस शिमला मिर्च ले लिया है, जिसको इस तरह से हमने काट लिया है। आप भी इस तरह से इसको काट लें और इसके जो बीज हैं वो निकाल दें। देखिए यहाँ हमने किस तरह से इसके बीज निकाल दिए हैं और किस तरह से इसको काटा है। ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए और देखिए हम क्या क्या सामग्री लेंगे। तो यहाँ हमने 6 से 7 कड़ी पत्ता लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच सरसों दाने लिए हैं, आधा छोटा चम्मच सौंफ लिया है, ये 6 से 7 कली लहसुन की है, और ये 1 कटोरी के करीब हमने बेसन लिया है। तो गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच के करीब हमें तेल डालना है। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तब जो हमने जितनी सामग्री ली है उसको एक एक कर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने जो 6 से 7 कली लहसुन की ली थी उसे सबसे पहले डालेंगे। और फिर इसे होने देंगे। जब ये हमारी लहसुन थोड़े हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम उसमें जो हमारा 6 से 7 कड़ी पत्ता लिया है हमने वो डाल देंगे। अब इसके बाद जो सौंफ, जीरा, सरसों के दाने लिए थे उसको डाल देंगे। अब थोड़ा इसे होने देंगे। उसके बाद हमने 1 कटोरी जो बेसन लिया है उसको डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच में, गैस को हमें धीमी आंच में रखना है, नहीं तो हमारा बेसन जो है जल जाएगा। उसको धीमी आंच में हमें भूनना है जब तक हल्का ब्राउन नहीं होता है। ये देखिए यहाँ हल्का ब्राउन हो चुका है। हमारा गैस हमें धीमी आंच पे रखना है, तब उसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये हमने आमचूर पाउडर लिया है जो कि हम आधा चम्मच के करीब डालेंगे, छोटा आधा चम्मच। तो हमने ये डाल दिया है। अब इसको हम मिला देंगे। और जो हमारे लहसुन की कली ऐसी बड़ी बड़ी सी पड़ी हुई हैं उसे हम चम्मच की मदद से फोड़ लेंगे। उसे चम्मच की मदद से हमें फोड़ लेना है ताकि जब हम सब्जी अपनी खाएं तो ये लहसुन हमारे मुंह में ना आए, इसलिए हम इसे चम्मच की मदद से फोड़ लिए हैं। और ये हमने आधा कटा नींबू लिया है जिसे हम उसका रस निकाल रहे हैं। और ये हमारा स्टफिंग के लिए तैयार है। तो हम इसे अब शिमला मिर्च में इस तरह से भर देंगे। भरने के बाद हमें इस तरह से इसे बांधना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें हमें शिमला मिर्च को अच्छी तरह से टाइट बांधना है ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो ये हमारा तेल में ना फैले, नहीं तो हमारी शिमला मिर्च भी अच्छी नहीं बनेगी और हमारा पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। तो इसे अच्छे से टाइट से बांधें इसी तरीके से। तो ये देखिए हमारे यहाँ तेल गर्म हो गया है। तो हमने जो एक एक करके शिमला मिर्च भर कर रखा है उसे एक एक कर डाल देंगे। ये देखिए अब इसे चम्मच की मदद से पलट लेंगे। उसके बाद हम इसमें 5 मिनट के लिए धीमी आंच में बंद करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच में 5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च 5 मिनट में बनकर तैयार है। देखिए इसी तरीके से हम शिमला मिर्च बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शिमला मिर्च बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को आगे शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।